वेलकम टू साउथ जीरो किचन। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सूखे मटर के छोले, जो कि आगरा में आलू टिक्की के साथ बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन हम इसे पराठे के साथ, चपाती के साथ या फिर चावल के साथ खा सकते हैं। इससे पहले हम इस डिलीशियस रेसिपी को बनाएं, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक बाउल भीगा हुआ मटर, 3 से 4 बड़े आलू, आधा कप कटा हुआ प्याज, नमक स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून गरम मसाला, आधा कप कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 3 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, लहसुन, अदरक और प्याज। चलिए दोस्तों इसे बनाते हैं। पहले हम छोले बनाएंगे, उसके बाद टिक्की बनाएंगे। छोले बनाने के लिए हम एक कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे, फिर इसमें पहले से भिगा हुआ मटर डालेंगे जो कि हमने 8-10 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसमें आलू और नमक डालकर 1 सीटी लगाएंगे। दोस्तों हमारा मटर बॉईल हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, तेज पत्ता और इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें मसाला पेस्ट में डालेंगे और इसे पानी के साथ पका लेंगे। अब इसमें नमक और हल्दी मिला लेंगे। इसके बाद हम बॉईल किए हुए मटर डालकर सारे मिश्रण को मिला लेंगे। दोस्तों हमारा छोला बन चुका है। इसको हम गरम मसाले पाउडर और धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम टिक्की बना लेते हैं। इसके लिए हम बॉईल किए हुए आलू को ले लेंगे, जो कि हमने मटर के साथ ही बॉईल कर लिया था। बॉईल किए गए आलू में प्याज, नमक और धनिया पत्ते मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको टिक्की का शेप दे देंगे और इसे एक गर्म पैन में रखकर दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। दोस्तों हमारा जीरो ऑयल सूखे मटर के छोले बनकर तैयार है, जिसको हम टिक्की के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही और जीरो ऑयल रेसिपीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।